हाय फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल विजेतास ड्रीम किचन हैशटैग स्वाद से दिल तक में। तो आज चलिए मैं बनाती हूँ विंटर वेजिटेबल्स के साथ ये फ्राइड राइस, टैंगी टेस्टी एंड स्पाइसी फ्राइड राइस, बहुत ही अच्छे लगेंगे, आप इसे ज़रूर ट्राई करना। तो सबसे पहले इसे बनाने के लिए एक बड़े बोल में 2 कटोरी चावल ले लिए मैंने, करीब 250 ग्राम ये बासमती राइस लिए, लाल किला राइस यूज़ कर रही हूँ मैं, और इसमें डाल दिया ढेर सारा पानी। 1 घंटे के लिए चावल को भिगो के रख देना है। एक घंटे के बाद पानी को फेंक दें और इसे एक बार और अच्छे से धो लें। चावल को मसले नहीं, अदरवाइज ये टूट जाएंगे। पानी मैंने ऑलरेडी पतीले में चढ़ाया हुआ है गर्म होने के लिए, और अब मैं ये चावल उसमें डाल दूंगी। ये चावल सारे मैंने पानी में डाल दिया और इसमें अब डालने वाली हूँ मैं 2 टेबलस्पून भर के नमक। अच्छे से मिला लें नमक को, और चावल जब तक उबल रहे हैं और पक रहे हैं तब तक मैं ये सब्जियां काट लेती हूँ। ये कैप्सिकम ले लिया, इसके थिन स्लाइसेस कर लें इस तरह से। आप सब्जियों की क्वांटिटी अपने हिसाब से भी रख सकते हो, जैसे मेरे घर में बेटी को कैप्सिकम थोड़ा कम पसंद है तो ये मैं थोड़ा कम डालती हूँ। ये बंद गोभी ले ली, चाहो तो आप इसे इस तरह से स्लाइसेस में ही रहने दो और या फिर इस तरह से काट लो जैसे मैंने काटी है। ये चावल बन चुके हैं, 90% तक आप पका लो चावलों को, पूरा नहीं गलाना है, क्योंकि सब्जियों के साथ जब आप चावल को टॉस करोगे तो भी थोड़े से वो गलेंगे। तो अगर आप पूरा गला लोगे तो चावल अच्छे से नहीं बनेंगे और टूट जाएंगे फ्राइड राइस में। ये बीन्स ले लिया, इसके साइड्स कट कर लेती हूँ मैं। साइड्स कट करने के बाद बीन्स को इस तरह से डायगोनली कट कर लेना है। आप चाहो तो छोटे छोटे टुकड़े भी काट लो, चॉप कर लो बीन्स को। मेरा ट्राइपॉड थोड़ी सी तकलीफ दे रहा है, बहुत तंग कर रहा है, कभी कैमरा इधर हो रहा है तो कभी उधर हो जाता है, तो आई एम वेरी सॉरी। मुझे तो ये विंटर वेजिटेबल्स बहुत सुंदर लगती है, फ्रेश कलरफुल। ये गाजर ले ली, गाजर को पील कर लें, और मेरे पास ये एक पिलर है जिससे ये बहुत अच्छे से श्रेडेड हो जाती हैं, बहुत अच्छे इसके जूलियंस निकल आते हैं। आप चाहो तो छुरी से काट लो या फिर बिल्कुल चॉप कर लो छोटे छोटे टुकड़ों में। बहुत सुंदर लग रही है ये। और ये ले लिए स्प्रिंग अनियंस, मैं बहुत सारा स्प्रिंग अनियन डालती हूँ काट के, क्योंकि ये फ्राइड राइस में बहुत टेस्टी लगते हैं। फिर मैं रिपीट करूँगी कि आप अपने हिसाब से सब्जियाँ डाल सकते हो इसकी क्वांटिटी। 1 टेबलस्पून भर के बारीक चॉप किया हुआ लहसुन आपको रेडी कर लेना है, और 3 मीडियम साइज के ये ले लिया प्याज, इसे भी बहुत थिनली स्लाइस कर लें। और ये उबला हुआ पानी लिया, बहुत गर्म पानी है ये, इसमें मैं 1/2 कप ये डाल देती हूँ स्वीट कॉर्न, और थोड़ा सा नमक डाल के उसे छोड़ दिया और फिर छान लूँगी। 4 टेबलस्पून वाइट ऑयल लिया है, उसमें डाल दिया वो चॉप किए हुए लहसुन डाल दिए मैंने। लहसुन को तब तक फ्राई करें जब तक ये हल्का सा कलर ना चेंज कर लें, और इसमें अब डाल दी मैंने 3 सूखी लाल मिर्चें, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। और अब डाल देती हूँ मैं इसमें सारे स्लाइस किए हुए प्याज,
स्प्रिंग अनियन नहीं डालना है अभी, अभी सिर्फ वो वाइट वाले प्याज डालने हैं। बस एक मिनट तक हाई फ्लेम पे प्याज को फ्राई कर लें। प्याज को पिंक या लाल होने तक नहीं फ्राई करना है। और अब इसमें मैं डाल देती हूँ ये कटी हुई बीन्स। डायगोनली कट कर लिया था बीन्स को और अब डाल दिया इसमें ये बंद गोभी, कैप्सिकम, गाजर, सारी सब्जियां डाल दी। और अब इसके ऊपर अब इसे हिला लें अच्छे से। अब ये स्वीट कॉर्न डाल दिया और अब डाल दिया मैंने स्प्रिंग अनियंस। भूखों वाले प्याज कहते हैं ना। और अच्छे से हिला लें एक बार। और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली इसमें नमक डाल दिया। और 2 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें चिंग्स की सिजवान चटनी डाली है। यही तो ट्विस्ट है, बहुत टेस्टी लगती है ये चटनी, सिजवान चटनी चिंग्स की। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है इस फ्राइड राइस में। अब ये बॉइल्ड राइस डाल दिया मैंने और 1 टेबलस्पून भर के पिसी हुई काली मिर्च और 1/2 टीस्पून काला नमक, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स और 1/2 टीस्पून मैंने गरम मसाला पाउडर डाला। 1 टेबलस्पून भर के डार्क सोया सॉस डाल दिया और अच्छे से मिक्स कर लें हर चीज़ को। टॉस एंड मिक्स इट वेल, बहुत अच्छे से मिक्स करना है ऐसे। 2 चम्मचों की मदद से मैं ये सारे चावलों को हिला ले रही हूँ। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करना, आप सबको बहुत पसंद आएंगे। और मेरी ये रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को प्रेस कर देना, ताकि मेरी न्यू जो भी रेसिपीज़ आएँ उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। आप ये चावल को सिर्फ ऐसे ही खा सकते हो, या फिर अंडे की भुर्जी बना के इसके ऊपर डाल लो, या फिर सिर्फ सैलेड के साथ किसी भी तरह से आप इसे एंजॉय कर सकते हो। हम तो सिर्फ ये चावल खाते हैं, इसके साथ हमें कुछ भी नहीं चाहिए होता, क्योंकि ये अपने में ही एक फुल मील है। इतनी सारी वेजिटेबल्स हैं इसमें कि बहुत हेल्दी है, बहुत टेस्टी है, इजीली बन जाता है। तो आपको अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप जरूर ट्राई करना। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।